मेरे अति प्रियो, क्या आज का दिन खुशी आनंद के साथ रहते हैं? परमेश्वर यीशु आज का सुबह क्या आपसे बातें की? परमेश्वर के साथ चलने के लिए इसलिए प्रभु के साथ ही आपका जीवन शुरू करना है, प्रार्थना के साथ शुरू करना है, वचन का पढ़ के परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। इसलिए ना परमेश्वर प्रतिदिन हमारा साथ रहता है। आप ये नहीं सोचना प्रार्थना के बाद परमेश्वर उठ के चले जाते हैं, ऐसे नहीं है। जहां आप काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, सब समय में, सब जगह में यीशु आपका साथ रहने वाला प्रभु है। हमारे इस दुनिया में रहने के लिए हमारी सहायता चाहिए ना, यीशु सहायता करने के लिए इस दुनिया में हमेशा हमारे साथ रहकर हमें सहायता करता है। इस संसार में देखिए, धनी व्यक्ति या पहुंचा हुआ व्यक्ति कहीं भी जाने से या बड़ा कॉरपोरेट कंपनी का मालिक सहायता के लिए जाता है, सरकारी दफ्तर में जाने से तुरंत उनको सहायता मिलती है। लेकिन एक गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सरकार के पास जाने से दरखास्त को जरूर तो रख लेते हैं लेकिन सहायता नहीं मिलती। कब मिलेगा पता नहीं। इसका मतलब अमीरों के लिए सहायता जल्दी इस दुनिया में मिल सकता है, इसको देखते हैं। लेकिन परमेश्वर को देखिए, वो अमीर या गरीब या छोटे या बड़े किसी भेदभावना नहीं देखता है। दूसरे इतिहास का पुस्तक 14 अध्याय में एक सुंदर वचन को देखिए, 11 वचन में देखेंगे। एक प्रभु का दास सुंदर एक प्रार्थना करता है। ये यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन को भी। आप समझते हैं मेरे लिए कौन सहायता करेगा? परमेश्वर सबके लिए सहायता कर सकता है, गरीबों को, अमीरों को, शक्तिहीनों को भी प्रभु सहायता करता है। आप सोचते हैं मैं तो गरीब है, अमीर नहीं है, मेरे पास धन दौलत कुछ भी नहीं है, मैं इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं, समाज में मुझ पर कोई ख्याल नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों को सहायता कर सकता है, आपको ऊंचा वो कर सकता है। परमेश्वर ही आपको मदद कर सकता है। एक बार देखिए, यरीहो में यीशु वहां सेवा में जा रहे थे, वहां गरीब एक अंधा भीख मांग रहा था। वो चिल्ला रहा है, ये यीशु तू मुझे सहायता करना है। लेकिन सारे लोग उसको डांटने लगे, शांत करने के लिए उन्होंने कहा शांत रहो। वहां पर देखिए, उन पर आवाज को सुनने के लिए कोई नहीं। लेकिन अगर कोई अमीर रहता, लोग क्या कहते, यीशु एक पहुंचा बड़ा एक अमीर है, ये आपको बुला रहा, इन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो गरीब था इसलिए सब ने बोला शांत रहो। वहां पर यीशु ने किसी ढंग से उसका कान में ये आवाज उनके पास आया। लेकिन लोग कहते, ये तो साधारण भीख मांगा है प्रभु, आप अपने काम पर जा रहे हैं, आगे निकलिए। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने बुलाया, मैं उनको सहायता करना है, इसलिए यीशु ने बुलाया, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना है। आपके लिए सहायता करना यीशु के लिए आसान है। संसार आपको तुच्छ जान सकता है लेकिन ऐसे यीशु कभी नहीं सोचता है। वो हमेशा यीशु ऐसे ही देखते हैं, इस व्यक्ति के अंदर एक बहुमूल्य आत्मा है, उनके लिए मैं सहायता करना। यीशु मसीह सबको एक बहुमूल्य रूप में देखता है। लेकिन यीशु मसीह पास आइएगा, यीशु मसीह सबको वो सहायता करता। आप कहना, हे प्रभु मैं बेसहारा हूं, इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मुझे सब तुच्छ जानते हैं, तू ही मुझे मदद करना है। क्या आप ऐसे कहेंगे, हे प्रभु मैं बेसहारा हूं, शक्तिहीनों को तू ही मदद करता है, हे प्रभु इनकी प्रार्थना को सुन के तू इनकी सारी कमियों में मदद करना है। परमेश्वर बेसहारा के रूप में, शक्तिहीन के समान आज दुनिया में रहते हैं, प्रभु तुझसे सहायता मांगने के लिए आज आए, तू ही इनको सब सहायता करना है। बेसहारों को, शक्तिहीनों को शक्ति दे के उनको ऊंचा करने वाला परमेश्वर तू है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।